खबर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक सिपाही की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दिवंगत सिपाही को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दिवंगत सिपाही के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। दरअसल मामला इटावा की कोतवाली नगर के कचहरी रोड का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही विपिन कुमार आरएसपी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम हाउस पर दिवंगत सिपाही को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान एसपी ओपी सिंह और सीओ सिटी राजकुमार सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद दिवंगत सिपाही के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। विपिन कुमार हमारे आरक्षी थे, जो एक ईवीएम की सुरक्षा में लगे हुए थे। कल वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे, और आज उनकी डेड बॉडी मोर्ची मिली थी, जिसमें उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। और किन पश्चिम मृत्यु हुई है, इस संबंध में भी एसएसपी महोदय ने सीओ सिटी को जांच दी है। प्रथम दृष्टा पाया गया है कि ये कुछ सीटी फुटेज मिले हैं, जिसमें देखा गया है कि ये शायद नशे में थे या बीमार थे, और मार्केट में एक जगह जो है गिर पड़े थे, काफ़ी वहाँ पड़े रहे थे। बाद में उसको जिला अस्पताल पहुँचाया गया था, जहाँ इलाज में मृत्यु हो गई थी। अब पीएम हो गया, अभी पीएम रिपोर्ट हम देखे नहीं हैं, और उसमें मृत्यु कारण क्या अभी स्पष्ट नहीं है। प्रथम से लग रहा है कि जैसे कि बीमार थे, या कुछ बताया जा रहा है कि शायद कुछ खाया पी लिया रहना था, तो क्या स्थिति है पीएम से क्लियर हो जाएगा, उसी के अनुरूप हम आगे कार्रवाई करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि इस दौरान एसपी ओपी सिंह ने दिवंगत सिपाही के परिजनों को इटावा पुलिस की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है।